वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं अमर, आपका स्वागत है वीके न्यूज पे। कर्नाटक में शुरू हुआ हिजाब विवाद अब अलग मोड़ पर आ चुका था। पहले तो कॉलेज से शुरू होकर ये मामला पूरे देश में पहुंचा, फिर पाकिस्तान तक, और फिर एक बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। कर्नाटक से दो वीडियो खूब वायरल हुई। पहली वीडियो है भगवा लहराने की, तो दूसरी वीडियो है बुरखाधारी लड़की की होकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया। अब इन सब पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। कर्नाटक के पीयू कॉलेज से शुरू हुआ हिजाब विवाद मामले पर आज हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए उन तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया जो स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने की मांग को लेकर दायर की गई थी। कोर्ट ने अपना फैसला लेते हुए कहा है कि हिजाब इस्लाम में कोई जरूरी चीज नहीं है, इसलिए सरकार के 5 फरवरी वाले आदेश को अमान्य करने का कोई मामला नहीं बनता। आपको बता दें, इस मामले पर फरवरी महीने में पूरे 11 दिन तक सुनवाई हुई थी। इसके बाद 25 फरवरी को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम खाजी की पीठ ने की थी। इस दौरान मुस्लिम पक्ष ने स्कूल कॉलेजों में सिर ढकने की इजाजत की मांग की थी। वहीं राज्य की ओर से ड्रेस कोड का पालन करने की बात कही गई है। आपको बता दें, ये मामला कैसे शुरू हुआ था। दरअसल पीयू कॉलेज का ये मामला सबसे पहले 2 जनवरी 2022 को सामने आया था, जब 6 मुस्लिम छात्राएं क्लासरूम के अंदर हिजाब पहनने पर अड़ गई थी। कॉलेज के प्रिंसिपल रुद्र गौड़ा ने कहा था कि छात्राएं कॉलेज परिसर में हिजाब पहन सकती हैं, लेकिन क्लासरूम में इसकी इजाजत नहीं है। इन सबको लेकर वहां से हिजाब विवाद स्टार्ट हुआ और पूरे देश, पाकिस्तान, फिर बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। तमाम जगह हिजाब विवाद हुआ, इसको लेकर सुनवाई जहां पर चल रही थी, ऐसे में हाईकोर्ट ने अपना फैसला आज सुना ही दिया। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।